हाय, मेरा नाम है अमित एंड वेलकम बैक टू ऑल इन माय न्यू अनदर वीडियो। तो अभी आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो पीछे हाईवे है ये गांव कनेक्ट करता है। तो इस टाइम क्या है कि रात के 10 बज रहे हैं और लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जिस वजह से अभी गाड़ियां आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। तो मैं अभी उस स्टेडियम में बोल सकते हो जहाँ पर लास्ट टाइम मैंने देव का वीडियो बनाया था, और कहते हैं यहाँ पर पहले भूतों का मेला लगा करता था। जैसा कि मैं उस भाई ने जो यहाँ पर घूम रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने जैसा हमको बताया कि यहाँ पे भूतों का मेला लगा करता था। तो अभी हम रात में आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सीरियसली बताऊँ तो अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी भी लोकेशन पर जाकर और ऐसी चीज़ों को हैंडल करूँ या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करूँ, क्योंकि मेरे सर में चोट लगी हुई है और डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली रेस्ट करने के लिए बोला हुआ है। बट उसके बावजूद मैं सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए यहाँ पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, और ये देखने के लिए कि भी कि ये जो जगह क्या है, यहाँ पर सच में आज भी कोई ऐसी एनर्जी है जो हमको नज़र आती है। तो अभी तो मेरे को लगता है कि हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बजे हैं, तो अभी गाड़ियों की आवाज़ें वगैरह या शोर वगैरह सुनाई दे रहा है। लेकिन हम वेट करेंगे देर रात तक होने तक, और यहाँ पर रुकेंगे जब तक यहाँ पर पूरा माहौल शांत नहीं हो जाता, मतलब गाड़ियाँ जानी बंद नहीं हो जाती। उसके बाद हम नीचे उतरेंगे और उसके बाद एक बार इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे कि क्या यहाँ पर आज भी मौजूद है वो भूत जिनका पहले यहाँ मेला लगा करता था। और मेला लगता था तो पहले यहाँ पर क्या होता, कहते कि काला जादू वगैरह टाइप भी यहाँ पर पहले होता था। डोंट नो, मैंने कभी काला जादू किसी को करते हुए देखा नहीं है, ना मेरे को इस बारे में मालूम है। तो अभी फिलहाल हमारा यही है कि बैठेंगे, वेट करेंगे कि जब तक थोड़ा माहौल शांत हो जाता है, फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे और देखेंगे। और एक बार नीचे करके दिखाना भाई, ये देख रहे हो नीचे इतना माहौल, इस टाइम आवाज कैसी है, ये तो एक गाड़ी की आवाज आ रही है पीछे से, बट यार ये अजीब सी आवाज आ रही है। देख मेरे को ऐसा लग रहा है ना, देख मेरे को ऐसा लग रहा है कोई ना नीचे की तरफ बैठा हुआ है। कई बार होता है कि ड्रिंक करने वाले, ये देखिए देखिए साइड में कोई मार रहा है मेरे को, इधर चलिए, इधर लग रहा है कोई बैठा है। ये देखिए देखिए कई बार ऐसी लोकेशन पर होता है कि जितने जो चर्ची और स्मैके टाइप होते हैं, दारूबाज होते हैं, वो ऐसी लोकेशन पर आकर कोई, ये देखिए देखिए कोई तो मेरे ऊपर ना ऐसे पत्थर वत्थर फेंक के मार रहा है। ये देख हो रहा है यहाँ है, यहाँ पर देखो जैसे जैसा कि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था ना, अभी हल्की वॉइस आई है, बट लास्ट टाइम होता था तो जैसे नीचे उतरे थे हमें लगा था एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे अजीब सी दुनिया में आ गए। अभी हम सीढ़ियों पे जस्ट थोड़ा नीचे ही उतरे हैं और सीरियसली मैं फील कर रहा हूँ एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे मेरे आजू बाजू में दुनिया से दूर आके किसी जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ, और मेरे आजू बाजू में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है और मेरे रूम पे खड़े हो रहे हैं। सीरियसली बस मेरे को डर है यहाँ पर कुछ चर्सी वगैरह ना हो, क्योंकि जिस तरह से आते ही अजीब सी आवाज, जिस तरह से अजीब सी आवाज आ रही है ना, मेरे को लग रहा है अगर कोई चर्सी हुआ ना तो हम पे हमला भी कर सकता है, और क्योंकि हमारे पास गैजेट्स हैं वो हमको मार के सब चीजें छीन भी सकता है। एक बार देखते हैं कोई ऐसी कोई ऐसा बंदा तो नहीं है। कौन है यहाँ, ध्यान से ये देख, देख बोतलें वगैरह फूटी हुए, यहाँ पे ड्रिंक करने वाले लोग आते हैं, ये देख देख रहे हैं यहाँ पे बोतलें वगैरह फूटे पड़ी हैं। कौन है यहाँ पर, किसी की आवाज ही आ रही है। जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इस ट्रैक पे चारों तरफ बस घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि चारों तरफ का माहौल कैसा है, क्या है यहाँ पे। ऊपर भी मेरे को कुछ ऐसा फील होता है कि नहीं फील होता है, और मैं तेज बोल रहा हूँ ना, मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा यार, क्योंकि
मेरे को दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ को प्लीज़ एडजस्ट करना। और हो सकता है कि ट्रैफिक का वॉइस भी आए तो उस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, और प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो अभी मैं एक कोने में आके खड़ा हूँ, और इस जगह पर मैं सीरियसली बताऊँ, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पर कोई भी पैरानॉर्मल एनर्जी होती है तो सबसे पहला वहाँ का साइन क्या होता है कि उस जगह का एटमोसफियर अपने आप चेंज होने लगता है। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, सबको मालूम है कि दिन में कितनी तेज़ धूप होती है, शाम के टाइम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बट इस टाइम इस इलाके में, मतलब इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ठंड लग रही है। पसीने आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि मेरे को ठंड लग रही है। जो मेरा कैमरा भाई, तेरे को लग रही है ठंड? देखो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अचानक से चेंज हो चुका है आने के बाद। क्योंकि हम गाड़ी में भी आ रहे थे, हमें गर्मी लग रही थी, हम एसी चला के आए तो एसी भी वर्क नहीं कर रही थी, लेकिन अंदर यहाँ पे आने के बाद अचानक से टेम्परेचर चेंज हुआ है। मीन्स यहाँ पर कुछ तो अजीब है। लास्ट टाइम हम दिन के टाइम भी आए थे तो यहाँ पर हमको नीचे जाने के बाद बहुत अजीब सा लगा था। नीचे भी जाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह से पूरा घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ऊपर का माहौल कैसा है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर उसके बाद जाएंगे नीचे। तो एक चीज़ देख रहा है कि ये ना गांवों से मतलब लगभग, मतलब ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत मतलब समझ ले 500 मीटर दूर होगा, लेकिन उसके बाप ये जगह ना गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 500 मीटर दूर इधर गांव होगा, इधर हाईवे है, बीच में एक ये जगह है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। लोगों ने यहाँ पे बना तो दिया है ट्रैक की, यहाँ पर कोई कोई भी नहीं है। फिर आवाज कैसे आई थी नीचे करने की? कोई भी नहीं है, बट आवाज ऐसी आई जैसे कोई तेज तेज चल के हमारे पास आया है। सुन, हम क्या करते हैं, देख जैसे जैसे हम चल रहे हैं ना, कोई फॉलो कर रहा है हमको, हम नीचे चलते हैं। चल, आवाज नोटिस करना बस। इस साइड में अगर कोई है, सीरियसली मेरे को ऐसा लग रहा है कोई हमको फॉलो कर रहा है। मैं बार बार इसके पीछे लाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है ना, उसके बाद मैं पीछे का हिस्सा नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि आंखों पे लाइट पड़ रही है बहुत ज़्यादा। एक बार पीछे की तरफ कैमरा करो भाई, देख आवाज आ रही है जैसे कोई बार बार हमको, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोई अजीब सी आवाज़ बातें करने की। एक ट्रैफिक का साउंड आ रहा है, उसके अलग से एक आवाज़ है किसी की बात करने की। हम चाहिए तो वह जान तो क्या हुआ यहाँ पे, तकरीबन हमें यहाँ पर आए हुए 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और उस साइड में ना, उस साइड में 5-6 लड़के आ गए हैं, जैसे समय के टाइप बोल सकते हो या चलती बोल सकते हो। हम यहाँ पर बैठ गए हैं, मतलब प्रियांक बैठ गया क्योंकि उसकी, तो क्या हुआ कि प्रियांक बैठ गया क्योंकि उसकी कमर में थोड़ी दिक्कत हो रही है चल चल के, काफी देर से चल रहा है तो उसके दर्द हो रहा है। आवाज आ रही है, 5-6 जो लड़के आ गए, मैं भी धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उनको मेरी अवर खैर लाइट है, उनको पता तो है यहाँ पर कोई ना कोई बैठा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मैं नहीं चाहता उन लोगों को सुनाई दे। और सीरियसली बताऊँ, मेरे को डर लग रहा है क्योंकि हमारे पास गैजेट है, अगर उनके पास ब्लेड भी हुआ, चाकू भी हुआ, तो हम पर अगर हमला कर सकते हैं, हम मार सकते हैं, और हमारी गाड़ी भी उस तरफ में खड़ी है। तो मैं थोड़ी देर और वेट करने वाला हूँ, अभी वो लोग, मेरे को लग रहा है वो लोग भी हमारे पास इसलिए नहीं आ रहे, उनको लग रहा है हमारे पास लाइट वाइट है तो हमारे पास भी कुछ ऐसा होगा। वो डर रहे हैं, मेरे को नहीं पता किस चीज़ से डर रहे हैं, लाइट देख के डर रहे हैं या क्या डर रहे हैं, बट वो भी हमारे नज़दीक नहीं आ रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे बस वेट करता हूँ, या तो वो चले जाएं
या अगर वो हमारे नजदीक आते हैं तो हम फटाफट अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रुकते हैं और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले दिक्कत यही है कि उन समय के जो यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, और सच बताऊँ तो इट्स वेरी रिस्की। वेट करते हैं, देखते हैं वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर हमें भागना पड़ेगा। पता प्रिया, तो कैमरा ऐसा रखियो जैसे तू मेरी फोटो ले रहा है, ठीक है? और एक बार कोशिश कर उन लोगों को मेरे बैकग्राउंड में दिखाने की। पीछे अगर आप लोगों को लाइट दिख रही हो ना, तो वो लड़के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो स्मैक क्या कर रहे हैं या पता नहीं चरस ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। दिख रहा है प्रिया? लाइट दिख रही है, लाइट दिख रही है। वो उस साइड में बैठे हुए हैं, मैं क्लियर लाइट जला के उनके फेस पे नहीं दिखा सकता, पता उन लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैं खड़ा ऐसे हूँ ताकि उनको लगे कि मैं फोटो वोटो खिंचवा रहा हूँ या ऐसे कुछ कर रहा हूँ। तो ये लोग आके बैठे हुए हैं काफ़ी देर से यहाँ पर, हमें एक घंटा हो गया यहाँ पे इंतजार करते करते। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो मुझे ही अब यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रियांक की भी जान कर इसका या मेरे को भी दिक्कत हो, परेशानी हो। एक चोट पहले से लगी हुई है, मैं नहीं चाहता दोबारा और कुछ देर साथ हो। तो इस वीडियो को करता हूँ यही ख़त्म, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। वैसे तो अभी तक कुछ वीडियो में मैं कुछ नहीं शो साबित कर पाया हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं एक बार फिर से आऊँ यहाँ पर, दोबारा वीडियो बनाऊँगा। आप लोगों की डिमांड पर अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करना क्या है कि इस वीडियो पे मेरे को 10,000 लाइक्स पहुँचा दो, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा के वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ इस लोकेशन से जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग हमारे पास आ जाएँ और उसको हमको फिर हमको नुकसान पहुँचा दें। तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर और वीडियो को कर रहा हूँ यहीं ख़त्म। दोबारा आऊँगा इस लोकेशन पर, फिर से बोल रहा हूँ कि 10,000 लाइक्स कर दो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर पहली बार वो आए हो, विजिट किया है, तो भाई सब्सक्राइब किया, मैं जाना सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा अगली बार किसी अच्छी जगह पर, तब तक बाय।